एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म NH10 के प्रमोशंस में जोरों शोरों से लग गई है और रिसेंटली अनुष्का को हमने स्पॉट किया एक क्राइम शो के सेट पर अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए। और यहाँ अनुष्का ने बताया कि उन्होंने इस पर्टिकुलर शो से जुड़ने का फैसला क्यों लिया। ये पर्टिकुलर शो सावधान इंडिया का हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसका जो इनमें जो किरदार जो दिखाए हैं, जो स्टोरी दिखा रहे हैं और जो रियल लाइफ स्टोरी में से बेस्ड है, तो उसमें बेसिकली दिखाया गया कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जब कुछ आपको यू नो दिख रहा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, सच्चाई नहीं दिख पा रही है, लेकिन फिर भी आप यू नो चढ़ते जा रहे हैं आगे सच ढूंढने के लिए, ठीक सही चीज करने के लिए। एंड दैट आई थिंक वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हमारी पिक्चर में भी यही है, NH10 भी इसी से रिलेटेड है कि आप यू नो नो टर्निंग बैक, कीप गोइंग अहेड एंड यू नो फाइटिंग। So I think that is why ये interesting था हमारा collaboration इस show के साथ। Well, अनुष्का की फिल्म की कहानी और इस show का theme काफी मिलता जुलता है। ऐसे में अनुष्का चाहती हैं कि इस show के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी इस फिल्म के बारे में पता चल पाए। वैसे मीडिया ने यहाँ पर अनुष्का से ये भी जानने की कोशिश की कि क्या वो कभी टेलीविजन पर कोई शो करती हुई नजर आएंगी। नहीं, मैंने एक्चुअली कभी ऐसा सोचा नहीं है, बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ओपन टू एवरी काइंड ऑफ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी दैट माइट कम माई वे। तो अगर आगे जाके ऐसा कोई शो आता है जो जिसकी कहानी अच्छी है, तो आई वुड बी ओपन टू इट फॉर श्योर। वेल, अनुष्का ने साफ कहा है कि अगर उन्हें कोई कहानी अच्छी लगती है तो वो टेलीविजन पर भी आ सकती है। वेल, वी होप टेलीविजन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अनुष्का की इन बातों को सुन रहे होंगे। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई।